नमस्कार, इस समय आप सब जुड़ चुके हैं सच न्यूज नेटवर्क के साथ और मैं आपके साथ जानवी गुप्ता। एक बड़ी खबर श्री माता वैष्णो देवी कटरा यूनिवर्सिटी से सामने निकल कर आ रही है। जानकारी देते चले कि इस विश्वविद्यालय इस यूनिवर्सिटी से 13 स्टूडेंट्स जो है वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हाँ दर्शकों, कोरोना के खतरे के बीच बच्चों की लाइफ इस समय रिस्क पर डाली जा रही है और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में बहुत सी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के जो कुछ कोर्सेज है वो फिलहाल अभी ऑफलाइन जारी है, यानी कि जो क्लासेस है वो फिजिकली लग रही है और कोरोना की थर्ड वेव की जिस तरह से आशंका भी वैज्ञानिकों द्वारा जताई जा रही है, ऊपर से ओमिक्रॉन जो कि नया वेरियंट है उसने भी भारत में दस्तक दे दी है और ऐसे में स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटीज में ऑफलाइन क्लासेस करवाना एक बड़े पैमाने पर आने वाले दिनों में खतरा साबित हो सकता है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से ऐसा बताया जा रहा है कि SMVDU ये जो कटरा यूनिवर्सिटी है यहां पर इतने ज्यादा पॉजिटिव केसेस आने के बावजूद भी जो प्रशासन है उन्होंने बच्चों के ऑफलाइन एग्जाम्स करवाने का डिसाइड किया, जिसके तहत पेरेंट्स ने कंप्लेंट्स भी दर्ज की और कंप्लेंट्स में ऐसा कहा गया कि जो यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वो सभी बच्चों की लाइफ और सेहत को रिस्क पे डालकर एग्जाम्स करवा रहा है। लेकिन आज इसी संबंध में एक बड़ी अपडेट आपको देते चले कि जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी कटरा यूनिवर्सिटी जो कि कटरा में स्थित है अब 13 छात्रों के कोविड पॉजिटिव आने से बंद हो चुका है। जी हाँ, फर्दर ऑर्डर्स तक जो यूनिवर्सिटी कैंपस है वो क्लोज रहेगा। ये बड़ी अपडेट इस समय सामने निकल कर आ रही है। चलिए आइए और भी डिटेल्स इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई आपको बताते चले। और अब पूरी खबर बताते चले कि यूनिवर्सिटी कैंपस से जिस तरह से 13 पॉजिटिव केसेस पाए गए और इसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अगले आदेश तक कैंपस को तत्काल बंद करने के आदेश जारी किए। जी हाँ, इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट चरणदीप सिंह ने एक ऑर्डर जारी किया जिस ऑर्डर में ऐसा कहा गया कि डिसीज को फैलने से रोकने और साथ ही साथ छात्रों और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को बंद करना इस समय नेसेसरी पाया गया है। और इसके अलावा यहां पर एक और अपडेट सामने आई कि स्टूडेंट्स की 31 दिसंबर और 1 जनवरी को COVID-19 के लिए टेस्टिंग की गई थी और कैंपस यूनिवर्सिटी कैंपस सितंबर 2021 से ही ऑफलाइन क्लासेस जो है वो कंडक्ट करवा रहा था। दर्शकों, बात सिर्फ SMVDU यूनिवर्सिटी की नहीं है, जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ साथ अन्य यूनिवर्सिटीज भी इस वक्त बहुत से कोर्सेज की ऑफलाइन यानी कि फिजिकली क्लासेस जो है वो कंडक्ट करवा रहा है और ये बच्चों के लिए एक बड़ा रिस्क जो है वो साबित हो सकता है। वहीं दूसरी ही तरफ जो 13 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं उनकी बात करते चले तो ऐसे छात्र बहुत जाहिर सी बात है बहुत अन्य स्टूडेंट्स के कॉन्टैक्ट में भी आए होंगे और जो चांसेस है केसेस बढ़ने के वो बहुत ज्यादा है और इसी को मद्देनजर रखते हुए यूनिवर्सिटी कैंपस को फिलहाल बंद कर दिया गया है। हालांकि ये फैसला एडमिनिस्ट्रेशन को पहले ले लेना चाहिए था और चीफ मेडिकल ऑफिसर रियासी के अनुसार आपको बता दें कि 31 दिसंबर 2021 को स्टूडेंट्स के RT-PCR टेस्ट किए गए थे और इस टेस्ट के दौरान 13 छात्र COVID-19 संक्रमित पाए गए। वहीं रियासी जिले में भी शनिवार को COVID-19 केसेस जो है वो दर्ज किए गए और अब बच्चों की सेफ्टी को बहुत मद्देनजर रखते हुए जो यूनिवर्सिटी कैंपस है वो फिलहाल क्लोज कर दिया गया है, यानी कि बंद कर दिया गया है टिल फर्दर नोटिस तक। और जहां तक एग्जाम्स की बात है तो जल्द ही यूनिवर्सिटी प्रशासन बच्चों को सूचित करेगी एग्जाम्स के बारे में, यानी कि किस तरह से एग्जाम्स जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। दर्शकों, इसी बीच जम्मू और कश्मीर ने शनिवार को 169 नए COVID-19 केसेस जो है वो दर्ज किए, जिनमें से 68 केसेस जम्मू से थे जबकि 101 कश्मीर से थे। वहीं 107 पेशेंट्स रिकवर किए जिन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिली और 2 डेथ्स की सूचना भी जारी की गई। तो ये थी बड़ी अपडेट आपके सामने जो कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा यूनिवर्सिटी से सामने निकल कर आई। वहां पर 13 छात्र वो कोविड पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद आज ये बड़ी अपडेट सामने आई है कि जो यूनिवर्सिटी कैंपस है उसको क्लोज कर दिया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक आदेश जारी किया यूनिवर्सिटी को
फौरन कैंपस क्लोज करने के लिए। और जहां तक एग्जाम्स की बात है, वो जल्द ही अब बच्चों को सूचित किया जाएगा कि एग्जाम्स किस तरह से होंगे। और अगर हम कैंपस की बात करते चले तो आपको बता दें कि सितंबर 2021 से ही जो कैंपस है वो ऑफलाइन क्लासेस बच्चों की कंडक्ट करवा रहा था, लेकिन अब बच्चों की जो लाइफ है बहुत रिस्क पर जा चुकी है, क्योंकि 13 स्टूडेंट्स पॉजिटिव पाए गए हैं और वो अन्य स्टूडेंट्स के कॉन्टैक्ट में भी आए होंगे। और इस समय नेसेसरी यही था कि कैंपस को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए। कटरा यूनिवर्सिटी के अलावा जम्मू यूनिवर्सिटी के बहुत से कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज भी फिलहाल अभी भी क्लासेस जो है वो फिजिकली ले रही है। और अब प्रशासन को जल्द ही कोई डिसीजन लेना होगा इन स्कूल्स एंड कैंपसेस एंड यूनिवर्सिटीज के बारे में। फिलहाल ये बड़ी अपडेट, इसी के साथ दीजिए इजाजत, स्टे सेफ, स्टे एट होम। जय हिंद।